हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्या, सहसंयोजी बंध, या जिसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि अगर हम किसी चीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका जो शब्द है, देखो आधा मतलब तो उसी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सहसंयोजी बंध, तो सहसंयोजी पहले शब्द के मतलब को हम समझते हैं। ठीक है, तो सह का मतलब क्या होता है दोस्तों, सह का मतलब होता है साथ। ठीक है, और संयोजी का मतलब क्या होता है, संयोजी का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना। ठीक है, तो क्या हो गया, साथ में जुड़ना, ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा, साझेदारी का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे किसी भी चीज में कोई हम बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई भी चीज करना चाह रहे हैं, तो पार्टनरशिप या साझेदारी का मतलब क्या होता है कि अगर दो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आधा वो सामने वाला व्यक्ति लगाएगा और आधा पैसा कौन लगाएगा, हम लगाएंगे। तो जो बिजनेस शुरू होगा उसमें क्या होगा, दोनों की बराबर की साझेदारी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ये सहसंयोजी बंध बनेगा, इसमें जितने भी तत्व होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वो बराबर की होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया या किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, उधार का काम यहाँ पे नहीं होगा। उधार का काम किसमें होता है, ये होता है विद्युत संयोजी बंध में, कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, सोडियम से ले लिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे उधार का काम, ऋण का काम हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ कर्ज लेना हो गया, लेकिन यहाँ पे जो सहसंयोजी बंध है ये कर्ज नहीं लेता, ये अच्छा बच्चा है, कर्ज नहीं लेता, लेता देता नहीं है। ये बोलता है कि हम करेंगे तो बराबर की साझेदारी करेंगे, हम उसी के साथ जुड़ेंगे जो हमारी जरूरत को भी पूरा कर सकेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, इतना मतलब समझ में आ गया ना, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, नौकरी समझा रही हूँ, फिर इसके बाद हम इसके प्रकार में चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो H2O, हमने H2 ले लिया, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, एक, तो दूसरे हाइड्रोजन का भी परमाणु क्रमांक कितना होगा दोस्तों, एक, तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक एक। और आपको ये भी पता है कि इसकी कक्षा, पहली कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी। ठीक है, तो दो ये बीच में आ गया, बीच में इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब क्या है, बाद में ऐसा न हो कि तू अपना खींच ले और फिर मुझे अपना खींचना पड़े इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बीच में रहेगा, मतलब ऐसी जगह पे हम इलेक्ट्रॉन जमा कर देंगे कि जब हमें जरूरत होगी तब हम अपनी अपनी कक्षाओं को पूरा कर लेंगे। मतलब ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है इसपे इस हाइड्रोजन परमाणु और इस हाइड्रोजन परमाणु दोनों का बराबर का हक है। दोस्तों बहुत तेज बारिश हो रही है, तो अगर देखिए वॉइस में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये जाता हुआ मानसून है और जाता हुआ मानसून कुछ ज्यादा ही रंग दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर बारिश की आवाज आ रही होगी तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आपको समझ आ गई। अब देखिए इनके बीच साझेदारी, साझेदारी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच जुड़ेगा उनमें बराबर बराबर का हक होगा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने तुमको कर्ज दिया है, और सामने वाला ये नहीं बोल सकता कि हाँ हाँ मैंने तुमसे कर्ज लिया है या मैं ऋणी हूँ। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर धौंस नहीं जमा सकते, इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्या होगी, बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका सहसंयोजी बंध है ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है आपका एकल बंध, दूसरा है, अच्छा पहले एकल बंध समझ लेते हैं,
सिंगल बॉन्ड एक में, तो कैसे लिख लेते हैं, एकल सह संयोजी बंध। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलेंगे, सिंगल को वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब एकल सह संयोजी बंध है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है एकल मतलब एक, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, एक की। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया था, जैसे आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, HCl हो गया, ठीक है, और आपका CH4 हो गया, ठीक है, और आपका C2H6 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मेथेन, एथेन, इन सबके बीच दोस्तों कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, एकल सह संयोजी बंध। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था हाइड्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इनमें क्या हो जाएगी साझेदारी, इनमें क्या होगी साझेदारी, तो इसके पास जब इसको जरूरत है तो इसने अपना जोड़ लिया, जब इसको जरूरत है तो इसने अपना जोड़ लिया, तो इनके बीच जो बंध बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से हम क्लोरीन की बात करें, तो दूसरा है द्विसह संयोजी बंध, तो यहाँ पे आपका कौन सा है, एकल सह संयोजी बंध में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और द्विसह संयोजी बंध में द्विसह संयोजी बंध, यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, डबल को वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे संयोजी बंध में क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, दूसरे संयोजी बंध में दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है दोस्तों, CO2। ठीक है, और क्या है आपका एथीन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एथिलीन, C2H4। अब इन दो उदाहरणों के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन सिंगल है, ये कहाँ रहेगा, बीच में। ठीक है, तो अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोस्तों, चार इसके पास है, चार इसको और चाहिए, एक मिनट, ठीक है, चार इसके पास है इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, छह, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, छह। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कार्बन, ठीक है, अब इनके भी साझेदारी कैसे, अब देखो दो दो चार दो छह, दो दो चार दो छह, इसके कितने हैं, दो और दो चार कार्बन के, अब देखिए ये आपस में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, इसका दो और इसका दो, कितने हो गए, चार, यहाँ पे भी देखिए इसका दो और इसका दो, कितने हो गए, चार, तो दो दो चार दो छह और दो आठ, मतलब इनके बीच ये बॉन्डिंग होती है, जिसको जब जरूरत होगी तब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इतनी अच्छी दोस्ती होती है इनमें, इतनी अच्छी पार्टनरशिप होती है कि भाई जब तुमको जरूरत है तो तुम ले लो, और जब मुझे जरूरत है तो तुम अपना पैसा भी मिला के मेरे को दे दो। ठीक है, मतलब ये जरूरत के साथ ही होते हैं, जो आजकल ना बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए, हमें ना इन इलेक्ट्रॉनों से सीखना चाहिए, इनकी साझेदारी देखिए, जिसकी जिससे जितनी जरूरत है उतने की साझेदारी कर लेते हैं, तो यहाँ पे दो दो की साझेदारी होगी दोस्तों, तो इनके बीच जो बॉन्ड हो जाएगा, क्या कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये इसके चार इलेक्ट्रॉनों ने साझेदारी में भाग नहीं लिया, कितने ने लिया, इसके दो और इसके दो ने लिया, कार्बन के चारों ने लिया लेकिन ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉनों ने लिया, दो दो ने। ठीक है, तो इनकी साझेदारी कंप्लीट हो गई और इनके बीच इस तरह का बॉन्ड बना। इसी तरह हम एथिलीन का देख लेते हैं, C2, तो यहाँ पे इसको देखते हैं कार्बन कार्बन,
अब यहाँ ये कार्बन, ये कार्बन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन किससे लेगा, अब देखिए इलेक्ट्रॉन वही लेगा जिसके पास है नहीं, खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दूसरों को क्या देगा। मतलब अगर मेरे पास खुद ही पैसा नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे, जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम दूसरों को देंगे ना। मदद हम कब करते हैं, जब हमारे पास भी कुछ हो, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो दूसरे की मदद क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, अब कार्बन के पास कितने हैं, चार हैं। तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का इधर से चला गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का चला गया इधर। अब यहाँ पे जो साझेदारी हुई कैसी हुई, एक इसके बीच एक इसके बीच, ठीक है। तो इसके कितने हो गए, एक हाइड्रोजन का इधर आया, एक हाइड्रोजन का, तो दो दो चार, दो छह और दो आठ। यहाँ भी देखिए दो दो चार, दो छह और दो आठ। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा दोस्तों, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ये किसकी संरचना होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसको क्या बोलते हैं एथीन, या क्या बोलते हैं एथिलीन, ठीक है। दोनों नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब हम तीसरा इसका प्रकार समझ लेते हैं फटाफट, कौन सा है आपका, त्रिसंयोजी बंधन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा है, त्रिसंयोजी बंधन, ठीक है। मतलब ट्रिपल, ट्रिपल को वैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इनके बीच एक एक की, इनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड इतना अच्छा बन गया, सिंगल बॉन्ड, इनके बीच डबल बॉन्ड, और इनके बीच अब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हम किसका ले लेते हैं, एन2 का। आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, पहली कक्षा में 2, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, इसको और कितना चाहिए, 3। तो ये 3 किसी और चलेगा, तो इससे अच्छा क्या ले लेगा, अपनी ही जाति से, मतलब अपने ही जैसे दूसरे परमाणु से। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अब देखिए 3 इसके 3 इसके, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। तो अब साझेदारी हुई कितने की, 1 2 3, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इतने लिया तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं इसका, एसिटिलीन का या एथाइन का, C2H2, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन से तो ले नहीं सकते क्योंकि इसके पास एक खुद ही है, तो यहाँ से ये एक, यहाँ से भी ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन वाला। और यहाँ पे साझेदारी कितने की हो जाएगी दोस्तों, 3 की, ठीक है, 3 इसके और 3 इसके, ठीक है। तो टोटल साझेदारी कितनी हो गई, 3, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके भी 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इनके भी जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गई इनके बीच साझेदारी, मतलब ये उसी से जुड़ते हैं जिससे इनकी जरूरत पूरी हो, बराबर की साझेदारी चाहिए, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये बराबर की साझेदारी करेंगे, एक तू देगा तो एक मैं दूंगा, अगर दो दो रुपया तो तू देगा तो दो ही मैं दूंगा, अगर 3 रुपया तू देगा तो 3 ही मैं दूंगा। मतलब ये थोड़े एटीट्यूड वाले बॉन्ड है, जितने ऐसा नहीं है कि इनमें थोड़ी सी दया आ जाए, चल मैंने तेरे पास पैसे की कमी थी तो मैंने दे दिया, ठीक है। ये तो बोलते नहीं भैया मैं उन्हीं से साझेदारी करूंगा जो मुझे बराबर पैसा देंगे, अगर 100 रुपया मैं लगाऊंगा तो 100 रुपया सामने वाला भी लगाएगा, तभी साझेदारी होगी, मतलब इनके बीच पक्की साझेदारी पाई जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए हर टीचर के समझाने का तरीका बच्चों अलग अलग होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप हम जो पढ़ाएं आपको वो बेहतरीन तरीके से समझ में आए, फिर भी कोई कमी रह जाती है
अगर आपको समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमें पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हम थोड़ी और कोशिश करते हैं कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझा पाऊं, ताकि वो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें। एग्जाम क्या, वो आगे जितने भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उन सब में अच्छे मार्क्स गेन करें, ठीक है। तो दोस्तों बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।